संतरे की यह ऐसी टिप जो आपकी कई सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देगी। यह टिप मेरे को एक पार्लर वाली दीदी ने बताई। मैं उस दीदी का आज तक थैंक्स कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी यह कीमती टिप मेरे को बताई। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लगभग ले लिए हैं 5 से 6 संतरे। यह संतरे दोस्तों मार्केट में अब आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि इनका सीजन आ चुका है। तो इनको हम क्या करते हैं, छील लेते हैं। लगभग दोस्तों मैं सारे संतरों का यूज़ नहीं करूँगा, लगभग 2 से 3 संतरों का ही इसमें मैं यूज़ करूँगा और कुछ इस तरीके से अच्छे से मैं इसको छीन लूँगा। जो इसके ऊपर जो ये आप देख रहे हैं घास फूस सी, इसको आप हटा लीजिए और अलग अलग 2 से 3 टुकड़ों में इनको कुछ इस तरीके से अलग कर लीजिए। अब इसके बाद मैं 2 से 3 संतरों को कुछ इस तरीके से अलग कर लेता हूँ और फिर मैं ले लेता हूँ एक मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में दोस्तों इसको मैं डाल दूँगा लगभग 2 से 3, जैसे कि मैंने बताया इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ लगभग 2 से 3 संतरे। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ और फिर इसको अच्छे से पीस लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। अब पहले तो मैं ट्राई करता हूँ दोस्तों छोटी छलनी की मदद से, अगर यह छन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं छन पा रहा है। तो इसलिए मैं अब इसमें बड़ी छलनी का इस्तेमाल करूँगा ताकि मैं जल्दी से आपको इसको छान के दिखा दूँ। आपके पास अगर बड़ी नहीं है तो आप छोटी से चम्मच की मदद से भी इसको हिला के कुछ इस तरीके से छान सकते हैं। तो अब मैंने जितना भी इनमें जो रस था वो निकाल लिया है इस कटोरी में और अब हमें ले लेनी है एक साबुन। साबुन दोस्तों आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने यह ले रखी है यह बहुत ही खुशबूदार है, इसलिए मैंने यह साबुन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जो भी यूज़ करते हैं वो ले लीजिए और फिर कुछ इस तरीके से उसका कद्दूकस कर लीजिए। इसका कद्दूकस दोस्तों हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही अमेजिंग और टिप जो आपके बहुत ही काम आएगी, आपकी स्किन के लिए भी काम आएगी। अब आप सोच रहे होंगे और साबुन और संतरे का क्या मेल है, क्यों हम संतरे ऐसे ख़राब करें। तो जहां दोस्तों हमारे शरीर की बात आती है, हमारे स्किन की बात आती है, वहां पर हम 50 रुपये किलो के संतरे तो क्या हम 50,000 5 लाख रुपये तक भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतना महंगा बजट आपका ना हो, इसलिए यह छोटी सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपके शरीर से संबंधित कई समस्याओं का समाधान करेगी। अब लगभग मैंने आधी साबुन इसमें ऐड कर ली है, आधी मैंने बचा के रखी है। अब आप देख पा रहे हैं अच्छे से मैंने इसका कद्दूकस कर लिया है। अब एक मैंने पैन ले लिया है और उसमें पानी डाल दिया है और एक स्टील की कटोरी डाल दी है और उसमें जो हमने यह साबुन को मैल कद्दूकस किया था वो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। जैसे जैसे दोस्तों पानी गर्म होगा वैसे वैसे यह हमारा जो पतीला है इसके अंदर रखा हुआ यह गर्म होगा और उसके गर्म होने के बाद हमारी जो यह साबुन है यह मेल्ट होगी। तो पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हमने इसमें यह जूस डाल दिया है संतरे का, जिसे हम रस भी कहते हैं, तो इसको डाल दिया है। यह रस आप थोड़ा सा ज़्यादा निकाल लीजिए, कहीं कम रहे तो आप इसमें यह रस थोड़ा और ऐड कर दीजिए, क्योंकि यह रस दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए। क्योंकि रोज़ रोज़ तो दोस्तों हम अपने चेहरे पर बॉडी पर संतरा लगा नहीं सकते छील के ऐसे करके रस बना के, तो क्यों ना हम संतरे से और साबुन से एक बढ़िया सी साबुन बना ले जिससे हम रोज़ इसका फ़ायदा उठा सकें। लगभग 2 संतरों से ही दोस्तों यह काम हो जाएगा। और इस साबुन की खास बात रहेगी दोस्तों कि यह झग्गियाँ तो सबसे ज़्यादा देगी ही देगी, लेकिन घिसने की जो इसकी क्वांटिटी है वो दोस्तों बहुत कम हो जाएगी। यह बहुत ही लेट तक घिसेगी, अपनी जो आम साबुने होते हैं वह तो बहुत ही जल्दी घिस जाती है, लेकिन यह इतनी जल्दी नहीं घिसेगी क्योंकि इन दोनों चीज़ों का मिश्रण ही दोस्तों कुछ ऐसा होता है। यह हमारा तैयार हो चुका है, एकदम बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब आप कोई भी बर्तन में या कोई ढक्कन में आप इसको निकाल लीजिए। मैं इसमें ढक्कन में इसको निकाला है और इसको दोस्तों मैं अब रात भर के लिए इसको रख दिया था फ्रिज में। आप देख पा रहे हैं यह बिल्कुल एकदम अच्छे से जम चुकी है। अब आप देख पा रहे हैं मैं दबाव दे रहा हूँ तब भी यह अंदर नहीं बैठ रही है। अब मैं एक काम करता हूँ इसको निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमने यह साबुन निकाल ली है। तो आप अब जब भी आप नहाने जाए तो इस साबुन का इस्तेमाल कीजिए और दोस्तों अपने चेहरे से स्किन से संबंधित कई समस्याओं का समाधान
कीजिए। तो दोस्तों अगर टिप्स अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आपने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, बाय।